नमस्ते कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। तुला लग्न के लिए अप्रैल 2023 कैसा रहेगा? देखिए अप्रैल 2023 का मैंने जो हेडिंग लिखा है, अगर आपके पास व्हीकल है, जनरली देखिए वृषभ तुला और मीन व्हीकल होता है जनरली, यू टू ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली। ये महीने में शुक्र अष्टम में गया है, हो सकता है कोई फीमेल की वजह से स्ट्रेस भी आ सकता है, सो यू टू ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली। दिस इज द टाइम, दिस इज द मंथ, आपके ससुराल में अगर मैरिड है तो आपके ससुराल में कोई ना कोई फंक्शन होगा जहां आपकी अटेंडेंस मस्ट होगी। यू हैव टू एंजॉय योर टाइम, दिस इज द क्वालिटी टाइम, एंजॉय योर दिस गुड टाइम विथ इन लॉस। आपके ससुराल में एंजॉय करने का टाइम है और हो सकता है कोई ना कोई बहुत बड़ी ट्रैवलिंग। सप्तमेश और भाग्येश का परिवर्तन है मंगल बुध का, ये आपके परिवार में पर्टिकुलरली आपके स्पाउस के साथ, पत्नी या पति के साथ कहीं ना कहीं ये लंबी ट्रैवलिंग करवा सकता है। ये डिपेंड है, ये फॉरेन योग भी दे सकता है, ऐसी बड़ी ट्रैवलिंग भी हो सकता है अप्रैल महीने में। अब इस महीने में देखिए हर महीने के हिसाब से मैं केयरफुल रहने की डेट पहले बताता हूं। अब डेट वाइज जब प्रेडिक्शन करता हूं तो आपको और डिटेल में बोलता हूं, जरा कैलेंडर पर ये मार्क करिएगा। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट, अभी ये देखिए इस महीने में 30 दिन का महीना है, उसमें से 3, 6, 2, 8 दिन मैंने ऐसे बताए हैं कि अगर जो नया जॉब है, हो सकता है कि अभी सातवां गुरु गया है आपका, सेवेंथ हाउस से जाएगा, अभी 20 अप्रैल को गुरु बदल रहा है, 21 अप्रैल को गुरु मीन राशि छोड़ेगा और 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि में प्रवेश करेगा, यानी कि आपके लिए काम धंधे के लिए अच्छा है। अविवाहित जो लोग हैं उनके विवाह के अब मौके आने लग जाएंगे। स्पाउस इतना रोमांटिक नहीं होता, ये हर बार बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं, इस बात को बराबर ध्यान रखिएगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, इसको देखिएगा, 1 और 2 तारीख है ये, आपके परिवार के हीरो हुए होंगे, आपका बटवा पैसे से भरा होगा, फाइनेंशियली द बेस्ट पीरियड ऑफ द मंथ। इस दिन में अगर आप किसी से पैसा मांगते हो, एस्ट्रोलॉजी को अजमाना हो, तो 1 और 2 तारीख आपके परिवार के आप हीरो हुए होंगे, पूरा परिवार आपके साथ एंजॉय करता हुआ आप पाएंगे, फूड फैमिली और फाइनेंस। इस दिन में आपको खाना खाने का भी सुख अच्छा खासा प्राप्त होगा और आप कुछ बोलते हो, सरस्वती का वरदान का भी समय है 1 और 2 अप्रैल, बढ़िया टाइम है। अब 3, 4 और 5 अप्रैल है ये आपके लिए भाई बहनों के साथ का रिलेशंस को या आपके पड़ोसी के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम है। काम धंधे में कोई छोटी ट्रिप ट्रैवलिंग आएगी, चैलेंज आएगी, ये भी बखूबी आप पार कर पाएंगे। कोई ना कोई संगीत जैसा शौक होगा तो ये भी आप इस दिन में पर्टिकुलरली 3, 4 और 5 वो आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। 6, 7, 8 यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम, घर पे या अपनी मामा के साथ या अपने मन के साथ बड़े आनंद में होंगे। देखिए मन के साथ द्वंद होता ही रहता है जनरली ऑन एन एवरेज, बट दिस 6, 7 एंड 8 विल गिव यू द पीस एट योर होम, घर पे बड़ा आनंद का टाइम है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो टाइम है ये आपके लिए स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है। 9, 10, 11 दोज हुआर क्रिएटर्स, इनके लिए 9, 10, 11 बेस्ट है, जो प्यार करते हैं उनके लिए भी पर्टिकुलरली मैंने 9 तारीख बेस्ट लिखा है। चंद्र शुक्र का जो रोमांटिक दिन है वृषभ और इसका, तो ये भी बेस्ट है। अगर पर्टिकुलरली देखिए 9 तारीख को चंद्र शुक्र का अपोजिशन भी हुआ है तो केयरफुल करें ड्राइव अगर करते हो तो। 9, 10, 11 के दिन आपके आप जिसको प्यार करते हैं उसको समझ पाएंगे, वो आपको समझ पाएगा, और आप अगर जो मेरे से उम्र में मेरे ही करीब के उम्र है, 2, 5, 10 साल आगे पीछे हो, तो दिस इज द टाइम यू शुड स्पेयर विथ योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेयर करने का टाइम, एक अच्छा समय रहेगा। कुछ क्रिएटिविटी से जुड़े हुए लोगों के लिए तो 9, 10, 11 बहुत अच्छा रहेगा। 12, 13, 14 हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, सबसे पहला महीने में केयरफुल रहने का टाइम है। 12, 13 और 14 इसमें थोड़ा हेल्थ के लिए केयरफुल रहो, आपके मैटरनल अंकल के साथ कोई ना कोई पाला पड़ सकता है, कहीं लोन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये 12, 13, 14 पैसे का शॉर्टेज भी रह सकता है आपको। 12, 13, 14 के दिन हो सके तो झगड़ा अवॉइड करिएगा, कोर्ट कचहरी की डेट है तो उसको अवॉइड करिएगा, ये एक्सपेंसिव भी रहेगा, कोर्ट कचहरी की झंझट भी आपके गले रहेगी। 12, 13, 14 अच्छा दिन नहीं है। अब 15, 16, 17 दोज हु आर अनमेरिड उनके द्वार पर दस्तखत करेगी, यानी कि ये टाइम है आपके लिए, आपके पत्नी या पति के लिए स्पेयर करने का, आप जिसको जिसके साथ विवाह करते हैं उनके साथ टाइम ये स्पेयर करने का टाइम है। 15, 16, 17 आपको टाइम टेम्पररी आपके काम धंधे में बहुत बड़ा जगह पे बिठा भी देगा, बहुत बड़ी मीटिंग भी करवा सकता है। 15, 16, 17 काम धंधे के लिए सुविधाजनक भी रहेगा।
और 15-16-17 देखिए, यहाँ मैंने 24-25-26 भले लिखा है, लेकिन यहाँ 15-16-17 भी आप कंसिडर कर सकते हैं, मतलब जॉब या बिजनेस के लिए। इसमें ये टेम्पररी टाइमिंग मौका बहुत बड़ा हाथ में आ सकता है 15-16-17 में। 18-19-20 ये जो टाइम है, ये हो सकता है आपके ससुराल व रसूलाल से कोई नौता बीता आएगा, वो लोग ऐसे आपका ससुराल बड़ा आनंद में है इस वक्त इस महीने के लिए, और 18-19-20 आप आपके ससुराल के साथ अटैच हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप थोड़े बहुत मानसिक तनाव में भी रहेंगे, ये मानसिक तनाव का टाइम है 18-19-20। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि तनाव रहेगा, लेकिन ये आपके लिए इतना स्ट्रेसफुल टाइम नहीं है, एकदम नेगेटिव टाइम नहीं है 18-19-20। बट आपका स्पाउस का परिवार यानी कि आपके पति या पत्नी के परिवार से आमंत्रण आएगा, आपको इन्विटेशन आएगा, तो उसको सहर्ष स्वीकार कर लीजिएगा 18-19-20। 21-22-23 से 21 से समझिएगा कि 28 तक, मतलब ये जो फोर्थ वीक है 21 से 28 का, ये आपके कैरियर के लिए ऊपर चढ़ता हुआ ग्राफ दिखाई देगा। 21-22-23 कोई ना कोई हो सकता है आपके स्पाउस के साथ का ट्रैवलिंग में आप चले जाएं। 21-22-23 में आप रिलीजियस भी बहुत हुए होंगे, और आपके भाई बहन के स्पाउस के साथ यानी कि आपने आपके भाई होंगे तो उनकी पत्नी के साथ का कोई रिलेशंस का, भाई के साथ का रिलेशंस को भी कहीं ना कहीं 21-22-23 को उनके परिवार के साथ आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। 24-25-26 इफ यू आर ए जॉबलेस तो बहुत अच्छा टाइम है आपके हाथ में, अगर अपॉइंट मतलब आपके हाथ में इंटरव्यू की डेट है तो 24-25-26 को तय करिएगा। कोई बहुत बड़ी मुलाकात आपने डिसाइड की अगर बिजनेस में है तो, बिजनेस में देखिए मीटिंग्स पर डिपेंड होता है, तो 24-25-26 के दिन बहुत बड़ी मीटिंग भी हो सकती है। 24-25-26 विल बी द बेस्ट फॉर द पर्सन फॉर यू टू मीट अ बिग पर्सनालिटी, कोई बहुत बड़े पर्सन से आप 24-25-26 के दिन मिलने जा सकते हैं। 27 और 28 ये टाइम है शेयर बाजार वालों के लिए, देखिए शेयर बाजार से जो अगर आप जुड़े हुए तो 9-10-11 भी बेस्ट है और 27-28 भी बेस्ट है। 27-28 ये बिग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का टाइम है, यानी कि हो सकता है बहुत बड़े शेयर खरीदोगे बेचने की कोशिश करोगे। जरूरी है देखिए आपके बर्थ स्टार को देखना, अभी आपका फिफ्थ हाउस का स्वामी फिफ्थ हाउस में आया, यानी कि आपके संतान की जीवन में मेहनत बढ़ेगी, पंचम स्थान का शनि आया है, ये मेहनत बढ़ाएगा, उसको मैच्योर करेगा, शनि आपको ये दुख नहीं देने वाला, शनि देखिए अपने ही घर में है तो ये आपके संतान को मैच्योर करेगा शेयर बाजार का लॉन्ग टर्म का विजन से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पर्टिकुलरली 27 और 28 बेस्ट रहेगा। 29 तारीख और 30 तारीख एक्सपेंसिव रहेगा, कोई बहुत बड़ा डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं उसको पेंडिंग रखिएगा, 29 और 30 को कोई ना कोई आपको बेवकूफ बनाएगा। 12-13-14 को तो सीधा सीधा झगड़ पड़ेगा, और 29-30 को ये आपको आपके पीठ के पीछे कोई ऐसा कोई कार्यक्रम कर देगा जिसमें आपको फंसाने का इंटेंशन से जो काम होगा वो 29 और 30 और 1 मई को होगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब देखेंगे इस महीने में, देखिए मैंने जो बोला जॉब और बिजनेस के लिए मैंने बोला है, जो बिजनेसमैन है अगर आप जॉब करते हैं, अब पार्टनरशिप का नया ऑफर भी आपको आ सकता है, यू हैव टू बी केयरफुल। देखिए मई महीने के करीब लास्ट वीक ऑफ मई में एग्जैक्टली युति होगा और राहु गुरु का, ये गुरु आगे बढ़ेगा, ये आपको पार्टनरशिप का ऑफर भी अप्रैल 20 के बाद खड़ा कर देगा, बहुत बड़ा पार्टनरशिप आएगा, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप उसको जानते नहीं होंगे तो उनके साथ पार्टनरशिप में केयरफुल रहिएगा। वैवाहिक जीवन के साथ में देखिए सूर्य राहु का ग्रहण योग हुआ है, आपके स्पाउस का सम्मान रखिएगा इन शॉर्ट। और इस महीने में सप्तम स्थान में आपका सूर्य ग्रहण हुआ है मेष राशि में, हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, ये 20 अप्रैल को है लेकिन आपके सप्तम स्थान में हुआ है, यानी कि आपका बिजनेस अगर पार्टनरशिप में तो झगड़ नहीं पड़िएगा, उसका ईगो को मेंटेन करिएगा, आपके पति या पत्नी के सम्मान को ठोकर लगे ऐसा काम नहीं करिएगा। और सूर्य का जो रिप्रेजेंटेटिव है, देखिए सूर्य के मंत्र करिएगा, ये जो ग्रहण का जो समय होता है जैसे 20 अप्रैल का सूर्य ग्रहण का समय, तो इसको हिंदुस्तान में तो दिखने वाला नहीं है, बट यू टू आप अगर जो कोई मंत्र सिद्धि करते हैं तो ग्रहण का समय बड़ा उत्तम होता है। इस ग्रहण के समय में अगर आप कर सको, देखिए 20 तारीख को ये ग्रहण है और 19 तारीख को दृश्य अमावस, बीच में से अमावस का सेटिंग बीच में से हो रहा है, तो ये अमावस 19 तारीख को है, 20 को ग्रहण है, तो आप कोई भी शिव मंदिर में 1 किलो या 11 किलो गेहूं का दान कर सकते हैं, सूर्य राहु का ग्रहण योग भी हुआ है। पर्टिकुलरली टफ टाइम समझो बीतेगा,
मैंने बोला ऐसा आपके स्पाउस के परिवार में आनंद का विषय है और आप आपके स्पाउस के साथ का उसकी खुशियों में खुशियां है ऐसा बताने की कोशिश करोगे तो दुख को अनुभव नहीं करोगे। अगर फिर अपनी जीत पे अड़े रहोगे, स्पाउस के साथ रिवेंज लेने की कोशिश करोगे तो आप ज्यादा ट्रबल में आओगे। सप्तम से राहु जा रहा है, लग्न में केतु है। देखिए मैंने बोला ऐसा लग्न में केतु है तो स्ट्रीट डॉग को वेनसडे को खाना खिलाते रहिएगा। कहीं पुअर पीपल को, अगर विंटर सीजन तो अभी हिंदुस्तान से लगभग जा चुका है, कंबल का दान करने से भी केतु खुश होता है, कुत्ते को खाना खिलाने से केतु खुश होता है। और इस महीने में देखिए 22 तारीख को अप्रैल को अक्षय तृतीया, अगर कोई चीज आप खरीदना चाहते हैं, कोई नई चीज खरीदना चाहते हैं, जनरली देखिए कोई भी नई चीज खरीदने के लिए हम लोग मुहूर्त देखते हैं। अभी गुड़ी पाड़वा है, वो हमारा हिंदू न्यू ईयर है, दशहरा है, दिवाली है, ये भगवान रामचंद्र जी के साथ जुड़ा हुआ त्यौहार है दशहरा और दिवाली, और अक्षय तृतीया पर्टिकुलरली ये एक दूसरा त्यौहार है जो बिना देखे मुहूर्त की बात, तो 3:30 मुहूर्त में ये अक्षय तृतीया का दिन 22 अप्रैल का द बेस्ट रहेगा। अगर आप कर सको कोई चीज खरीदना हो तो 22 अप्रैल को खरीदिएगा, फायदेमंद रहेगा। प्रदोष के लिए 3, 17 और 9 और 23 तारीख है चतुर्थी। अगर आपका विवाह में स्पाउस के साथ ट्यूनिंग चुक रहे तो आपके लिए 9 और 23 तारीख बेस्ट रहेगा। तो ये लेखा जोखा है इस महीने का आपका। चंद्र गुरु का गज केसरी योग की तारीख है, चंद्र शुक्र का योग है, ये कम्युनिटी सेक्शन में मैं डालता हूं, वहां से आप रीड कर सकते हैं। इसको बड़ा बड़ा करके जूम करके देख सकेंगे ये डेट को। ये डेट पंचांग की कॉपी की हुई डेट है। इन शॉर्ट इस महीना आपके लिए व्हीकल केयरफुल रहने का डिसीजन दिया है मैंने। अष्टम में शुक्र है तो देखिए आपको ये प्रोस्टेट जैसा चीज हो सकता है, या प्रोस्टेट है या गुप्त स्थान का कोई ट्रबल आपको हो सकता है, क्योंकि शुक्र अष्टम में, लेकिन अपने घर में है और आपका सप्तम स्थान गुरु शुक्र के बीच है, शुभ कर्तरी के बीच में, ये राहु का नेगेटिविटी कुछ हद तक आप कंट्रोल कर पाएंगे। सप्तम स्थान का शुक्र की, सप्तम स्थान के राहु का नेगेटिविटी बहुत हद तक कंट्रोल होगा। एंजॉय योर टाइम, गुड टाइम विथ योर फैमिली ऑफ योर स्पाउस। ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा, जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।